हेलो दोस्तों, इंडियागढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 मई 2021 से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जितने भी बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 22 मई को मनाया गया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 की विषय वस्तु वीवार पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। आप इस थीम को याद रखिए, एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है। जैव विविधता को अक्सर पौधे, पशुओं और सूक्ष्म जीवों की विस्तृत विविधता के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर भी शामिल होता है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है तो 22 मई को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीसरा स्थान पर है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। सौर फोटोवोल्टिक पीवी मोर्चे का असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका प्रथम, चीन दूसरे स्थान पर है। भारत में स्थापित और PV क्षमता पहली बार हवा की क्षमता से बढ़कर 39 गीगावाट हो गया है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। जो सौर ऊर्जा वाला है इसमें हमारा देश तीसरे स्थान पर है, पहला पे अमेरिका और दूसरा चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादकों उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार सकल GST, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क और 5 साल के लिए बिजली लागत यूनिट सब्सिडी और MSME इकाइयों की ब्याज सब्सिडी पर भी रिफंड देगी। तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप भी ट्राई करते रहिए। हाल ही में NMMF लॉन्च किया, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नरेगा से संबंधित है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMSF एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है। NMMSF कार्यक्रम की नागरिक निगरानी बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविकता समय उपस्थित दर्ज करने की अनुमति देता है। इसी ऐप के द्वारा जो रोजगार गारंटी है उसके लिए ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सुंदरलाल भागुड़ा का निधन हो गया, वह कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रसिद्ध पर्यावरणविद। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल भागुड़ा 21 मई को कोविड से मृत्यु हो गई है। उन्हें चिपको आंदोलन के अग्रणी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए पद्म विभूषण और कई अन्य सम्मानों से सम्मानित भागुड़ा ने टिहरी बांध के निर्माण में विरोध के लिए भी नेतृत्व किया था, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, 21 मई को इसका निधन हो गया। चिपको आंदोलन का नाम आप काफ़ी सुने होंगे दोस्तों, इसमें अग्रणी भूमिका निभाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 2022 विफा अंडर 17 महिला विश्व कप
आयोजित की जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भारत। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की जाएगी। यह विश्व आयोजन 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप के बाद भारत द्वारा आयोजित होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। यह 2022 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 21 मई को मनाया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। एशियाई देशों की दुनिया में चाय उद्योग की वृद्धि को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में ने 21 मई को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस तौर पर उसे घोषित किया गया, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया।